चंदोसी के दो बच्चे यूक्रेन से अपने वतन भारत सकुशल वापस आए। जनपद संभल तहसील चंदोसी के दो बच्चे जिनका नाम वैभव और शशांक है, चंदोसी के संभल गेट पुलिस चौकी के निकट के रहने वाले हैं, जो यूक्रेन में फर्स्ट ईयर MBBS का कोर्स कर रहे थे। वह दोनों बच्चे कल चंदोसी सकुशल वापस आए हैं, जिन्होंने अपने मुख से अपनी आपबीती को बताया कि वहां किस किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा व सरकार ने उनकी क्या मदद करी घर पहुंचने में। रिपोर्ट वरुण अरोड़ा। मैं वरुण अरोड़ा, India24 TV न्यूज, चंदोसी से लाइव हूँ। मैं शशांक और वैभव से मिलने आया हुआ हूँ। ये यूक्रेन से वापस आए हैं उजगोरस में, वहाँ पे ये MBBS का कोर्स कर रहे थे अपना। तो मैं आपसे वैभव से बात कराता हूँ कि कैसा हुआ उनका। वैभव, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभव गुप्ता है। आप यूक्रेन में क्या करते थे? सर, हम वहाँ से MBBS कर रहे थे, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। ओके, तो आप वहाँ से कैसे आए? मतलब सर, जो इंडियन एम्बेसी है और इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी है वहाँ से निकलने में। हमें हंगरी के बुडापेस्ट एयरपोर्ट से वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था और फिर हम यहाँ दिल्ली हमारी फ्लाइट लैंड हुई। तो वहाँ पे क्या क्या आपको परेशानियाँ हुई? सब परेशानियाँ जैसे हर चीज़ वहाँ पे डबल ट्रिपल रेट में हो गई थी, लोगों में पैनिक भी था, काफ़ी लोग पैनिक हो रहे थे। और खाने का सामान वहाँ पे ख़त्म होते रहा था, ATM वर्क नहीं कर रहे थे क्योंकि हम लोगों पे लिमिटेड मनी थी और हम पे और एक जो ऑडियो वायरल हुई थी वहाँ पे, जिससे लोगों में और ज़्यादा डर हो गया था कि चार्टर फ्लाइट के भी पैसे देने पड़ेंगे और सब कुछ देना पड़ेगा, कम से कम $200 से $300 का खर्चा आएगा। तो हम पे इतने थे भी नहीं, तो हम ये सोचते थे खाने के लिए ले हम पहले या अपने जाने का करें, और हमें ये भी नहीं पक्का नहीं पता था कि हम कब निकलेंगे यहाँ से, कैसे होगा क्या। तो इस वजह से हम सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम खाने पीने और निकलने में इसी में रहेगी। मैनेजमेंट ने भी आपकी हेल्प करी होगी वहाँ पर? हाँ, जो हमारी हॉस्टल स्टाफ था, कॉलेज मैनेजमेंट था, उन लोगों ने हमें काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने हमें पहले फॉर्म फिल करवाए थे, फॉर्म फिलअप करने के बाद उन्होंने वहाँ पे हमारा लाइन बाय लाइन हमें इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो है डाला था और वहाँ से इवैक्यूएट करवाया था। बसेस प्रोवाइड कराई गई थी उन लोगों वहाँ से, तो जिन जो हमें हंगरी बॉर्डर क्रॉस करवा के वो डबल से किए। तो उनकी बसों पर भी टैग लगाए गए थे? जी हाँ, जैसे हर बस पे इंडियन फ्लैग और इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड ये लिखा गया था, क्योंकि ये माना जा रहा है और ये चीज़ सही भी है कि रशिया आर्मी इंडियन फ्लैग को देख के कुछ कहेगी नहीं। ये था कि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात अच्छे हैं इस मामले में, तो वो रशियन आर्मी उनकी हेल्प करेगी। थैंक यू। आइए मैं शशांक से और बात कराता हूँ आपकी, वो भी वहीं से आए हुए हैं यूक्रेन से वापस। सो आप कैसे आए वहाँ से वापसी? सर, हम भी उसी फ्लाइट में, सेम फ्लाइट में आए थे, मेरे भाई ने। ओके, तो हम लोग को पहले इवैक्यूएट करा गया यूक्रेन और हंगरी बॉर्डर से, वहाँ पे हमें बुडापेस्ट ले जाया गया उनकी बस के थ्रू ही। सोलह, आपका वहाँ माहौल कैसा था वहाँ पे? सर, पैनिक, वहाँ पे काफी पैनिक था। जब हम थे, जहाँ सुबह सुबह हम पहुंचे थे वहाँ पे हॉस्टल के पास, तो हम हॉस्टल स्टाफ मैनेजमेंट के पास जब पहुंचे थे, तो उन इतने बच्चे थे सर वहाँ पे जाने के लिए, इवैक्यूएशन के लिए बहुत बच्चे थे। लगभग कितने बच्चे होंगे वहाँ पे सर? कम से अभी जब हम एट प्रेजेंट, जब उस टाइम पे थे, तो कम से कम 500-600 बच्चे थे सर। 500 हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान, बाकी और देशों के भी होंगे सर? और देशों के भी थे, लेकिन इवैक्यूएशन प्रोग्राम जो चल रहा था वो भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से था। मतलब अपनी कंट्री वाले ही सपोर्ट कर रहे थे, हिंदुस्तान वाले? यस सर। और किसी कंट्री का, हमारी नेबरिंग कंट्री का किसी का कोई सपोर्ट था वहाँ पे? नहीं सर, कोई नहीं था। शुक्रिया सर। इंडिया 24 TV न्यूज, चंदोसी संभल से।